दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और नई अब अपडेट लेकर आई हूँ। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आ रही है ये आ रही है डालमिया ग्रुप की तरफ से। काफ़ी बड़ा ग्रुप है और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पर। कई सारी यहाँ पर जो है वैकेंसी निकल रखी है। जो एक्सपीरियंस है फ्रेशर हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी अपनी यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी रहने वाली है। साथ में देखिए यहाँ पर कौन कौन ब्रांच के एलिजिबल रहने वाली हैं ये भी मैं बता देती हूँ। देखिए अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल यहाँ पर किसी भी ब्रांच से हैं आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑल इंडिया आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 2022 वाले जो छात्र हैं मतलब जो अभी और मतलब ट्रेनिंग का यहाँ पर डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं या बीई कर रहे हैं तो वो यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर यहाँ पर 2020 या 2021 का यहाँ पर बैच है तो यहाँ पर एलिजिबल रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर बीई बीटेक डिप्लोमा वाले एलिजिबल रहने वाले हैं। अब देखिए किस तरीके से आप लोग को इसकी मेन साइट तक पहुँचना है। अब देखिए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताती जाती हूँ ताकि आप लोग यहाँ से खुद सर्च कर सकें। ठीक है, तो आप लोग को इसकी जो मेन साइट है यहाँ से आप लोग को जाना होगा। जैसे आप इसकी मेन साइट को ओपन करेंगे तो आपका एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप लोग का न्यू टैब ओपन होगा यहाँ पर तो देखिए इस तरीके का होगा। काफ़ी बड़ा ग्रुप है आप लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पर सच में आप लोग यहाँ पर जॉब करते हैं काफ़ी अच्छी जॉब रहेगी तो आपको क्या करना है, ये जो कैरियर का ऑप्शन है इस कैरियर पे आप लोग को जाना होगा। तो आप लोग जैसे ही इस कैरियर ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पर तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का न्यू टैब ओपन हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए आप लोग को क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है इस तरीके से। देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़े ग्रुप में यहाँ पर जो है जॉब करते हैं, सारा डिटेल दे रखा है ये देखिए इसके बारे में। थोड़ा आप लोग यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए करंट अपॉर्चुनिटी दे रखी है। तो इस करंट अपॉर्चुनिटी पर आप लोग को यहाँ पर जाना होगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरीके का तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा आप लोग के लिए। अब देखिए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताती रहती हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि ये जो वैकेंसी आ रही है इसकी ऑफिशियल साइट से आ रही है। साथ में आप लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल साइट से आ रही है तो यहाँ पर स्पेशली दिया गया होता है साइट पर अगर कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर पैसे वगैरह पे करते हैं इनकी तरफ से कॉल आता है तो आप लोग यहाँ पर ना करें क्योंकि इनकी तरफ से जो भी आता है मेल आता है सिर्फ और सिर्फ। तो आपको क्या करना है, ये जो फ़िटर वाला ऑप्शन है इस पर आप लोग को क्लिक करना है। तो आप लोग को यहाँ पर फ़िटर ऑप्शन के बाद यहाँ पर पोस्टेड डेट दे रखा है तो जो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी मोस्टली जो रिसेंट में जो यहाँ पर जॉब दी गई होगी वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं काफ़ी सारी यहाँ पर जॉब है। ठीक है, मैं वन बाय वन आप लोग के लिए बताती हूँ जो यहाँ पर आप लोग के काम की रहने वाली है। अब देखिए आप लोग को अप्लाई लिंक और यहाँ की लिंक जो है डायरेक्ट यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए क्यों बोलती रहती हूँ ये भी जान लीजिए। मैं इसलिए बोलती रहती हूँ आप लोग को क्योंकि मैं काफ़ी सारी जॉब जो है लेकर आती रहती हूँ। तो देखिए यूट्यूब पे इतनी सारी जॉब लाना पॉसिबल नहीं रहता है और कभी कभी क्या होता है रिसेंटली में एकदम से आप लोग का जो है आ जाता है जॉब तो मैं आप लोग को अपडेट कर देती हूँ ताकि आपकी कोई भी जॉब छूटे ना। और मैं वहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल पर आप लोग की जॉब यहाँ पर देती रहती हूँ। और देखिए दो ग्रुप हैं वहाँ पर टेलीग्राम पर, एक मेन है जो वहाँ पर चैनल है जिसमें आप लोग को पूरी अपडेट मिलती रहती है, एक और दूसरा ग्रुप है जिसमें देखिए आप लोग यहाँ पर कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ग्रुप में ज्वाइन रहिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर जान लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। देखिए यहाँ पर पहली है जूनियर टेक्निकल सर्विस इंजीनियर, इसकी देखिए डेट देख सकते हैं 10 को यहाँ पर पब्लिश हुई है, 10 जनवरी 2022 को यहाँ पर। अब देखिए इसके बारे में मैं पहले आप लोग को वन बाई वन यहाँ पर दिखा देती हूँ कौन कौन सी जॉब है, फिर हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा देखिए जो जो हमारी बड़ी पोस्ट होंगी उनके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगा गया होगा तो आप लोग देख लीजिए किसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है किसके लिए नहीं। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है आप लोग की जॉब लोकेशन उड़ीसा रहने वाली है यहाँ पर देख। अब नेक्स्ट जॉब दे रखी है सेल्स मैनेजर की, तो ये मैं आप लोग को टेक्निकल वाले बताऊँगी, जूनियर टेक्निकल सर्विस की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इसे ओपन करके देख सकते हैं ये टेक्निकल वालों के लिए। और देखिए ये एरिया सेल्स ऑफिसर, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आप लोग को टेल यहाँ पर देखिए ये है टेक्निकल सर्विस इंजीनियर की, एक ये जॉब आ रखी है यहाँ से उड़ीसा से। ठीक है, और ये
ये जूनियर टेक्निकल सर्विस इंजीनियर की एक यहाँ टॉय आ रखी आ रही है वेस्ट बंगाल कोलकाता से, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये 12 को निकल के आई है और यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए जूनियर टेक्निकल सर्विस के लिए टेक्निकल सर्विस, यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब है जो आप लोग जो ठीक लगे वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक जॉब यहाँ पर अप्लाई करके बता देती हूँ, आप लोग वन बाय वन अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक काफ़ी सारी जॉब्स दे रखी हैं, ये सारी अपने हिसाब से यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक जॉब को यहाँ पर अप्लाई करके बता देती हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर ये वाली जॉब जूनियर टेक्निकल सर्विस की ओपन कर ले रही हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगी इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, जैसे आप लोग को यहाँ पर जॉब आइडेंटिफिकेशन और पोस्टिंग, जॉब डिग्री लेवल ग्रेजुएट होना चाहिए इसके लिए, जॉब यहाँ पर शेड्यूल फुल टाइम, जॉब शिफ्ट डे, तो लोकेशन आप लोग को यहाँ पर दे रखा है। इसी तरीके से आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर वन बाय वन सारी जॉब्स को ओपन करना है और देखना है, क्योंकि देखिए मैं सारी जॉब्स के बारे में यहाँ पर ओपन कर करके नहीं बता सकती हूँ, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और आप लोग को सिर्फ मैं एक यहाँ पर अपडेट देती हूँ जिससे कि आप लोग यहाँ पर अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख सके। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसे ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपना ईमेल एड्रेस, देन नेक्स्ट करेंगे, फिर अपना जो भी आप लोग डालना है। अब देखिए जैसे ही आप लोग यहाँ पर ईमेल डालेंगे, ईमेल डालने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है साइन इन विद इन लिंक्डइन। अगर देखिए आपने लिंक्डइन पे अकाउंट बना रखा है तो देखिए यहाँ पर लिंक्डइन से ओपन कर सकते हैं। अगर लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी अच्छी नहीं है या फिर आपसे बनाने नहीं आई या फिर बनाई नहीं है तो आप लोग यहाँ पर सिंपली अपने यहाँ पर अपना खुद का यहाँ पर जो है साइन अप कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये सारा यहाँ पर मिडिल नेम, ये सारा भर के यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, ठीक है, जेंडर वगैरह भर के, ये सारा भरने के बाद, ठीक है, ये एड्रेस, ये सारी चीज़ें भर के नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट के बाद आप लोग का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिस वैकेंसी के लिए आप लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो फॉर्म आप लोग को अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पूरा फिल करना होगा, फिल करने के बाद सबमिट करना होगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद जो मेल आप लोग डालेंगे, मेल पर आप लोग का एक कन्फर्म मेल आ जाएगा, देन आप लोग का अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग को अप्लाई करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।